स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाऊंगा, यह मैं दावा कर रहा हूँ। यह काम करने में, क्योंकि एक मनोज की बिटिया पायलट रहने से चंदौली का भला नहीं हो सकता, लाखों लाख बिटिया जब पायलट बनी तब चंदौली का भला। इन्हान जानी कही है 5 किलो राशन ले ला, उज्ज्वला गैस ले ला, का कहले हो भैया 370 हटौले हुआ, और का कहले भैया राम मंदिर बनवौले हुआ। आजकल गाना निकलल है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये राम के लिए हो, इन्हान के लाजो शर्म ना लगे। शादी अयोध्या किया हूँ, अयोध्या के सांसद के बेटवा से, जहां से भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती है राजनीति की, वही किया हूँ। और मैंने कहा कि बेटी अगर उस राम मंदिर की सीढ़ी को धो दोगी तो तेरे बाप का उद्धार हो जाएगा। मुझे आस्था में कोई कमी नहीं है, बस फर्क इतना है कि मैं उनके जैसा आडंबर रच नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि बहुत से लोग बहुत तरह की बात करेंगे, एक बार अपने मनोज के ऊपर और विश्वास करके देखिए। नया इतिहास अगर नहीं रच दिया तो मनोज राजनीति से संन्यास ले लेगा। अभी हमारे पत्रकार साथी हूँ, इनको कह देता हूँ, पत्रकार साथी आपको खास करके कहता हूँ कि यहाँ पर चंदौली में पत्रकार भवन बनवाऊंगा, इसलिए कि आप रोड पर ले लेते हैं घूम घूम कर, आपको सरकारी कोई भवन नहीं है। और एक विधायक भवन बनवाऊंगा, इसलिए विधायक भवन बनवाऊंगा कि सरकारी जो विधायक भवन बनवाऊंगा, ताकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान का कहीं का भी आके चुनाव लड़ सकता है और विधायक हो सकता है। अगर विधायक हो जाइए तो भैया इनका दुकान अगर हम ले लें तो इनके शहर में हमारे खाली करा दी है। दरोगा जी का हिम्मत हो, एसओ साहब का कहे गुंडा एक लगा दे, हमारे मालूम है इनके बाबू के दुकान रहे, तू कैसन रहे। आज कुछ हो अगर कही तो कही है कि तुम्हार दुकान 20 लाख का है, एमा 20 करोड़ का भैया टाइल्स लगा ले हुआ, 20 करोड़ दे दा दुकान खाली, न 20 करोड़ देवा न दुकान खाली। ऐसे भैया विधायक भवन भी बनवाने का काम ये मनोज कुमार सिंह डब्लू करेगा। क्लिया का बटनिया दबी ना, 2 तारीख 7 तारीख के 2 नंबर पर हुआ है, और 2 नंबर पर दबा के ये 2 नंबर यवन के भगा देवे का काम है। ऐसे काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ।